23 तारीख की वाणी है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस ही दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषताओं को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हंस होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। तो बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया कि जब तक निर्माणता कब आएगी, जब हमारा दिल साफ और स्वच्छ होगा और हम ज्ञान मोती ही सुनेंगे, किसी की बुराइयों की तरफ नहीं देखेंगे। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। आज हम सब के अंदर बहुत उमंगे हैं कि हम ये कर ले वो कर ले, जब तक बुद्धि निर्मल नहीं हुई, मन स्वच्छ नहीं हुआ, साफ दिल नहीं बने, निस्वार्थ भावना नहीं जागृत हुई, तब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हो गया, मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि बाप दादा को सबसे प्रिय सबसे समीप साफ दिल वाले ही प्यारे हैं। ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्तर प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद और प्यार नमस्ते वरदान। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्पों में भी मधुरता, बोलबे में मधुरता, कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। सुन लिया? मन वचन संकल्प बोल और कर्म में मधुरता होगी, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही महान है। मधुरता ही महानता है, मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव भी नहीं होता। समझा? स्लोगन, कोई भी कार्य डबल लाइट बन के करो तो मनोरंजन का अनुभव करोगे। लाइट होकर के करेंगे, लाइट बन कर के करेंगे, डबल लाइट, तो हर कार्य मनोरंजन खुशी प्रदान करने वाला होगा, है ना? मनोरंजन का अनुभव करेंगे। ये थे आज के मधुर महावाक्य।
आज 23 तारीख है, कर्म योगी बन कर्म का पाठ बजाना है, लेकिन जब फुर्सत मिले तो सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले जाओ। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हो ना, दफ्तर का काम पूरा हुआ घर में चले गए, ऐसे स्मृति रहे कि मेरा घर कौन सा है, परमधाम है, मेरा परमधाम घर अभी सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ हूँ, अभी अभी वहाँ, साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए, मतलब बीच बीच में अपने को ये ड्रिल करानी चाहिए कि हम अपने स्वीट होम के अनुभूतियों में ही, स्वीट बाबा के पास स्वीट होम की समृतियों में खोए रहे। आज की वाणी बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाली है, बहुत ही सचेत करने वाली है। इस वाणी को आप बार बार पढ़ेंगे तो वो जीवन के अंदर सब धारणाएँ आ सकती हैं, आप दुआओं के पात्र बन सकते हैं, बन सकते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। ओम शांति।